अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलो। सैयद आसिम वकार साहब राइट? हाँ बोल रहा हूँ, बताओ बेटा। पारिस कादरी बोल रहा हूँ सर, फोन मत कट करना। भाग जाते हैं चोर लोग, ईमानदार जो रहते हैं वो बात कर लेते हैं। नहीं, चोर जो होते हैं वो टेप करते हैं आवाज, और ईमानदार जो है वो फेस टू फेस बात करते तो हैं। जो फेस छोटे टू फेस बेईमान बात होते करने हैं। की आपके अवेसी साहब में भी हिम्मत नहीं थी साहब, आइए क्या मेरे घर करेंगे? पे आइए, कहाँ पर आऊँ, 2 मिनट बात कर लो, खाना चोर बाजार होंगे तो चांदनी आप भाग मस्जिद जाएंगे। लखनऊ। चोर होंगे अगर आप तो आप फोन कट कर देंगे। चलिए आप चोर मान लीजिए, डाकू मान लीजिए, एक स्मगलर मान मिनट सुन लीजिए, लीजिए जो मेरी आपके अब्बा बात, ने आपको सिखाया है डर वो मान बहुत लग रहा लीजिए। है आपको, कोई सिखाता नहीं है, डर बहुत लग रहा है। फालतू बहस करे, मैं दो और सवाल डरपोक पूछना आदमी चाह हूँ मैं भाई, बिल्कुल मैं देखते नहीं हूँ दो मुझे सवाल टीवी पर। पूछना चाह रहा हूँ सर आपसे। चार पूछो भाई, चार। यूपी इलेक्शन है, बिल्कुल है, 100 सीट पे अवेसी साहब लड़ रहे हैं। 403 पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है। मैं आपसे 100 सीट से सवाल पूछ रहा हूँ पहले। 403 पर आम आदमी पार्टी लड़ नहीं, रही है। मैं मुसलमानों के हक के सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। हम देश की तो बात मैं ये नहीं करते बोल हैं, रहा हूँ ना कि आप 100 पे नहीं, आप भी 403 पे लड़ी, आई सपोर्टेड सर, बिल्कुल। हम पूरे देश की बात करते हैं। हाँ तो 100 सीट पे अब तक मुसलमानों का क्या बेनिफिट है उसमें, ये बताइए। 100 सीट पे अगर आप लड़के जीत रहे हो तो मुसलमानों का बेनिफिट क्या है? कितनी सीट अगर आपकी आई तो? अभी तक मुसलमानों को क्या बेनिफिट हुआ? नहीं, आप अगर यूपी के अंदर में आप 100 में से 99 सीट अगर जीत गए आप, तो मुसलमानों को आप क्या दोगे? पहले जिताओ उसके बाद देखो क्या देते नहीं, हैं। क्या दोगे वो नहीं, मैनोफेस्टो क्या है आपका? नहीं, अपील करो पहले, वो मैनिफेस्टो बोल दिया मैंने टीवी पर। मैं आपके सामने यूपी आके लोगों से भीख मांग के अल्लाह का वास्ता देके MIN तुम्हारी सुनेगा कौन दूंगा यार, तुम क्या हो, जी। कौन सुनेगा तुम्हारी, तुम्हारे मोहल्ले के तो लोग तो तुम्हारी सुनते नहीं। नहीं, पूरा हिंदुस्तान सुनता है सर। मैं नहीं, चलो ठीक है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं छोटा सा गरीब बच्चा हूँ, मेरा टेंशन मत लो। हाँ आप बोलो। बताओ, मुसलमानों के हक के लिए आप क्या करोगे? हम जो करेंगे वो तुम सोच भी नहीं सकते। नहीं, चलो प्लीज सर, एक छोटा सा एक डेमो दे दो बस मेरे को आप। नहीं, क्यों दे दूं, तुम कौन हो भाई मेरे? सर, आम आदमी सवाल पूछने उत्तर का प्रदेश का अधिकार आदमी है पूछेगा तो बिल्कुल बताऊंगा। तो। सर, मैं आम आदमी हूँ ना, मैं सेक्युलर हूँ, मैं तो हर किसी से सवाल करा, नहीं, तुम कांग्रेस, आम आदमी बीजेपी, नहीं, आरएसएस के गढ़ में रह के आरएसएस वालों को नहीं पूछता हूँ मैं। तुम आम आदमी नहीं हो। सर, पारिस कादरी एक आम आदमी, इंडिपेंडेंट हूँ। उत्तर प्रदेश के लोगों को पूछने दो, नहीं, उत्तर उत्तर प्रदेश वाले प्रदेश के नहीं, पूछेंगे। जब महाराष्ट्र का आप चुनाव होगा तब सुनिए मेरी महाराष्ट्र में बात। पूछना। आपके अवेसी साहब हैदराबाद में 4 मस्जिद नहीं संभाल सके, वो क्या हक दिलाएंगे लोगों को? तो तुम आपके संभालो होम आके आ सिटी जाओ। में आप तेलंगाना के अंदर 7 सीट पे लड़ते हो और दूसरे स्टेटों में जाके दलाली कर रहे हो, 100 सीट गाली पे रोको लड़ते बेटा, हो अपने स्टेट में तेलंगाना में, जहां पर में आप 7 सीट पे लड़ते हो, इसका जवाब। होल सिटी का डेवलपमेंट, इसका जवाब। वहां पे जो मस्जिद गैराबाद है, ये उसका जो तुम जवाब। देख रहे हो ना डेवलपमेंट, ये 7 सीट का ही नतीजा है जो इतना डेवलपमेंट है। और 7 सीट भी ना ओल्ड सिटी होती और न्यू तो पता सिटी नहीं पूरा कहाँ पहुंच हैदराबाद गया सुन होता रहे हो, सब हैदराबाद। लोग गालियां दे रहे हैं आपको। लाइफ चल रहा है बिल्कुल अभी, खूब गाली बकाओ मेरे लाल, खूब लाइफ चल गाली रहा है, बको। चेक कर लो आप अरे कितने बको हैदराबाद भाई के लोग गाली, गालियां दे रहे हैं आपको। ओल्ड सिटी हाँ में गाली जाकर बको, देखो, हाँ बिल्कुल गाली सेक्रेटेड की बको। मस्जिद पे अवेजी साहब हाँ खामोश, अंबर पेट की मस्जिद पे खामोश, 4 मीनार पे मंदिर बन गया मस्जिद गैराबाद। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, मस्जिद अपनी गैराबाद है। कब बना था चांदनार पे मंदिर, कितने चार साल हो मीनार गए? पे मस्जिद था या नहीं था? नहीं, कितने साल हो गए मंदिर बने हुए? सर, मैं मंदिर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप ये कंट्रोवर्सी बातें कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ मस्जिद है, मैं तुम्हें एक लेकिन मशवरा मस्जिद दूँ। गैराबाद है। अरे मेरी बात सुनो, मेरी मशवरा सुनो एक। नहीं, मशोरा तुम नहीं, मस्जिद अरे बात गैराबाद तो सुनो। सुनो, है अरे यूपी में तुम मुझे मशवरा मुसलमानों दे को सकते क्या हो? देंगे आप जो तेलंगाना में कुछ अरे नहीं दे सके? मेरे और लाल, तुम नेशनल मुझे मीडिया, मशवरा दे सवाल सकते सुनिए हैं? मेरा, सवाल करने का अधिकार है नहीं, मेरे मैं पास। तुमसे कह रहा हूँ तुम चांदनार जाओ हाँ और जो मंदिर है ना वहां खड़े हो जाओ, हाँ ठीक है ना, और वहां जाके नारे लगाओ। यस, तो लगाओ आपकी नारे, आपकी लगाओ, कब हिम्मत लगा नहीं रहे है, हो आप बताओ लोगों नारे। के अंदर हिम्मत नहीं है क्या सब वहां लोग पे जाके डरपोक लोग नमाज हैं ना पढ़ने की? असल चार में मीनार पे मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ मंदिर तोड़ो, वो उनकी तो पूजा कर ले रहे, कर लेने दे दो, वो उनकी भी इज्जत, काहे, उनके अंदर जिगर है। जब तुम मंदिर के खिलाफ नहीं हो तो भी मंदिर के खिलाफ भड़काते क्यों लोगों मैं को? कहाँ भड़का रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा और हूँ क्या कर आपसे रहे हो कि यहाँ अपनी बैठकर? मस्जिद गैराबाद क्यों है? बाबरी और मस्जिद पे कहाँ, तुम लोग बहुत भड़काए हो आबाद ना, है, बाबरी बहुत मस्जिद पे आबाद पूरा है। हिंदुस्तान पे तुम लोग सियासत कर रहे हो ना, अपने घर की मस्जिद ही नहीं दिखी आपको जब। पहले तो अपनी बदतमीजी से बात मत करो, ठीक से बात करो, आप अच्छा सर, अच्छी बात सर रहेगी है बिल्कुल बिल्कुल ना। सर, हाँ अब टेप कर लिया आवाज, अब रखूं? नहीं रखो मत, मेरे सवाल का जवाब दो आप। मैंने दिया तो सवाल का जवाब तुम्हारे, तुम सवाल मस्जिद सुन ही नहीं कब रहे। मैं कह बनी रहा हूँ तुम हैदराबाद की? हैदराबाद जाओ, सेक्रेटेड की मस्जिद, अंबर हैदराबाद पेट में की चार मीनार, मस्जिद, चार ओल्ड मीनार जाकर सुनो, चार मीनार सेक्रेटेड की जाकर, मस्जिद कब बनती हाँ सर?
नहीं नहीं अपने अब्बा को भी लेके जाओ, पापा को भी लेके जाओ, चार मीनार से जो मंदिर है ना सर। कौन सी? सेक्रेटेरिएट की मस्जिद हैदराबाद में अवेसी साहब के घर के 2 किलोमीटर दूर। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद बहुत जल्दी बनने वाली है, बहुत जल्दी। कब? 3 साल हो गए, बहुत जल्दी। कभी एक स्टेटमेंट नहीं आया आप लोगों का? नहीं बहुत जल्दी, वो तो अपर भाई बोले। मस्जिद 2 साल हो गया। सैकड़ों मस्जिद गहराबाद, 1000 प्रूफ देता हूँ मैं आपको। नहीं तुम 2000 प्रूफ भी दे सकते हो। और यूपी में जाके 100 सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हो, मैनिफेस्टो क्या है आपका? हम 403 पे या 4 पे, मैनिफेस्टो क्या है आपका? मैनिफेस्टो उत्तर प्रदेश वाले पूछेंगे तब बताऊंगा, तुम्हें क्या बताऊंगा, तुम क्या हो भाई? ये पूरा इंडिया सुन रहा है इतना। मैनिफेस्टो की स्पेलिंग बताओ आपका बीपी क्यों? चलो मैनिफेस्टो की स्पेलिंग बताओ सर। बीपी क्यों बढ़ गया है मेरा? हाँ मैनिफेस्टो की स्पेलिंग बताओ सर। मैं तो जाहिल अनपढ़ आदमी हूँ ना सर, इसीलिए तो फोन लगाया आपको। मैनिफेस्टो की स्पेलिंग तो बता दो मेरे। आप एक मिनट सर, एक पर्सनल सवाल ये करना चाह रहा था मैं आपसे। आप सुन्नीज्म को फॉलो करते क्या? किस मसलक को? इस्लामिज्म को। इस्लामिज्म को ना, तो इस्लाम में सर 5 कलमे आए कुरान में, आप 5 कलमे सुना दो मेरे को, सवाब का काम है, पूरी जनता सुनेंगी। अच्छा और क्या सुनाना है? सिर्फ 5 कलमे नहीं, और सुनाना क्या? नहीं, बताओ नहीं, तो मुझे 5 कलमे सुना दो मुसलमानों के ऊपर। मैं 5 कलमे फर्ज है, सुना दो। नहीं तो मैं सुना दूंगा। तुम हो नॉनसेंस आदमी। मैंने तुमसे इतनी देर बात कर ली, मुझे पहले ही मालूम था तुम्हारा फोन आने वाला है। मेरे मैं चाहता तो तुम्हारा फोन काट भी सकता था। नहीं आपको, लेकिन मैंने जानबूझ तुम्हारा फोन उठाया। सुनो कलमा का नाम सुन के बिल्कुल गैर मुस्लिम है ना हम लोग। आपके मुँह से मुसलमान सवाब मिलेगा ना। अच्छा और कुछ पूछना सर? इतनी दलाली मत करो, अब तो कर रहे हैं, बताओ क्या करा जाए? अब कितने पैसे गाओगे? नेशनल मीडिया बड़े से बड़े लीडर को इंडिया के प्लेटफॉर्म नहीं देती है? आप जैसे चिल्लर पार्टी को जो कोने में हैदराबाद में उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देती है नेशनल मीडिया, जो गोदी मीडिया है पूरी। चलो अब तुम्हारा काम हो गया, आप गोदी की गोद में बैठे हो। गोदी जवाब दो सर, आप इतने बड़े सारे बड़े बड़े एंकर से डिबेट कर रहे हैं आप, अभी तक के मैं बच्चा हूँ, छोटा सा, 20 साल उम्र है मेरी, आपके सामने बच्चा ही हूँ। चलो और हो गया तुम्हारा काम सर, टाल नहीं सकते। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद, अंबरपेट की मस्जिद, दारुसलाम बैंक से सूद, आसरा हॉस्पिटल में 500 रुपए में डिलीवरी होती बोलते आप, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता दे के बोले बात, वहां पर मैं 1.25 लाख के बिल बनते। बिहार में यासिर अरफात और अहमद पाशा कादरी ने अल्लाह को गवाह रख के बोले थे हम 500 रुपए में डिलीवरी करते, ये झूठ। ओल्ड सिटी के अंदर में ओल्ड सिटी के रोड देखो, न्यू सिटी देखो, 25 साल में न्यू सिटी आसमान छूरी, ओल्ड सिटी में आप लोग गरीबों को लूट दिए। 1,33,000 एकड़ वफ प्रॉपर्टी, मुस्लिम की प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू मिनिमम 5 लाख करोड़ है, 5 लाख करोड़ सर, जीरो मालूम कितने आते। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।